Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Kate Millett and she was associated with second wave of feminism. Kate Millett, her full name was Catherine Murray Millett and she was an American feminist writer, educator, artist and activist. And she attended Oxford University and was the first American woman to be awarded a degree with first class honors after studying at St. Hilda's College, Oxford. She was born on 14 September 1934, St. Paul, Minnesota in US and died in 6 September 2017 in Paris, that was a place in France. Now, in this lecture, I am only talking about her one work, that is Sexual Politics, which was written in 1970, and this work was very important from UGC NET point of view. So let's start. In this work, she talks about that men and women relationship is deeply embedded in power structure with political implication. Means, यहाँ पे केट मिलेट बताती हैं कि मेन और वुमेन इन दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस है. कैसे है? सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनइक्वालिटी जो भी आप सोसाइटी में देखते हैं कि सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना, इनइक्वालिटी करना कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेट करता है. वुमेन वॉज सब्जेक्टिव टू आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ ऑफ फेमिनाइन, जो कि वो केट मिलेट बताती हैं कि मतलब आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ जो कि मतलब कल्चर ने मिलकर बनाए हैं, इस सोसाइटी ने बनाए हैं और जिन्हें बोला जाता है फेमिनाइन वैल्यूज़, कहीं ना कहीं अब वुमेन को जो है उनका शिकार होना पड़ रहा है. फेमिनाइन वैल्यूज़ की गाइडलाइंस पर जो है चलना पड़ रहा है जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं या फिर जिन कल्चर में वो रहती है वुमेन्स, उन कल्चर के लोगों ने बनाए हैं. सो वुमेन वॉज सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ ऑफ फेमिनाइन. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर फंक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल पॉलिटिक्स. एंड फिर बता रही हैं कि ये सोसाइटी और ये कल्चर ये पूरी तरह से जो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर जो है फंक्शन करता है और जो एनकरेज करते हैं कि वुमेन टू इंटरनलाइज देयर इन्फीरियरिटी, कि वुमेन को जो है ये कंपेल करते हैं कि वो अपने आप को ऐसा ही समझे कि वो मैन के इन्फीरियर है, अनटिल इट बिकम्स साइकोलॉजिकली रूटेड इन देम. और फिर बोलते हैं कि अपने आप को उन्हें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो एक इन्फीरियर सेक्स है और अगर ऐसा नहीं सोचेंगी तो मतलब उनके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं कल्चर या फिर सोसाइटी जहाँ पे वो जहाँ से वो बिलोंग करती है वो साइकोलॉजिकली उनकी सोच को वैसा बना देता है. देन लिटरेचर एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो कहती हैं कि लिटरेचर एक ऐसा टूल है जो कि मतलब जिससे जो शुरुआत होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की. देन थ्रू एवरी मीन्स सोसाइटी इज़ इंक्रीजिंग वुमेन, कि मतलब हर तरह से जो है सोसाइटी जो है इन मतलब वुमेन्स को कंपेल कर रही हैं ये सोचने के लिए कि वो कहीं ना कहीं मेन के कंपैरिजन में इन्फीरियर है. और लिटरेचर एक ऐसा टूल है जो कि एक्ट कर रहा है जो कि मतलब जिससे शुरुआत होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की. देन मिलेट एग्जामाइन वर्क्स ऑफ 4th-20th century मेल ऑथर्स, और मिलेट जो है इस वर्क में जिसका नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इसमें एग्जामाइन करती हैं 4 male authors जो कि 20th century से बिलोंग करते हैं, जिनमें D.H. लॉरेंस का भी नाम इंक्लूड होता है. इन ऑल वर्क्स देर इज़ सेलिब्रेशन ऑफ मैस्कुलिन सेक्सुअलिटी. एंड फिर वो बताती हैं कि हर वर्क में जो है मैस्कुलिन मतलब मैस्कुलिन बिहेवियर को जो है सेलिब्रेट किया गया है और बताती हैं कि फीमेल्स को जो है उन्हें कंपेल किया जाता है कि मतलब वो हमेशा शांत रहें. D.H. लॉरेंस, लेडी शैटरलेज लवर, ही इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन हाउ मेल्स एंड फीमेल्स नीड टू वर्क. कि D.H. लॉरेंस उनका वर्क जो है लेडी चैटरलीज लवर, उसमें वो बता रहे हैं D.H. लॉरेंस को कोट करके बताती हैं उनके वर्क के बारे में
बताती हैं कि उनमें उसमें उस वर्क में भी ये एम्फेसाइज किया गया है कि एक मेल और फीमेल को कैसे काम करना चाहिए। हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन सेकंड वर्क बताती हैं हेनरी मिलर्स का वर्क जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नॉर्मन मेलर का वर्क है नेकेड एंड द डेड, जो कि सेलिब्रेट करते हैं मैस्कुलिन सेक्सुअलिटी को और बोलते हैं कि फीमेल्स को हमेशा से चुप रहना चाहिए। सेक्सुअल पॉलिटिक्स रनिंग इन द सोसाइटी इज़ वेरी एविडेंट, देर इज़ सेलिब्रेशन ऑफ मैस्कुलिन सेक्सुअलिटी। और ये बताती हैं इस वर्क में कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो सोसाइटी में रन कर रहा है उसे हम आराम से देख सकते हैं, मतलब कैसे मैस्कुलिन सेक्सुअलिटी को जो ये सोसाइटी है कैसे सेलिब्रेट करती है, मतलब ऐसा उन्हें विक्टोरियस समझा जाता है। एंड देर इज़ अ प्रिजम्पशन दैट फीमेल नीड्स टू बी पैसिव, एंड फीमेल्स को हमेशा ये बोला जाता है कि उन्हें हर चीज़ में जो है शांत रहना है, पेशेंस रखना है, सबमिसिव रहना है। दे टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड, एंड इस वर्क के थ्रू जो है केट मिलेट बोलना चाहती हैं कि उन्हें जो है इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेकर जो है इनके अगेंस्ट जाकर, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाकर जो है एक दूसरे का स्टैंड लेना चाहिए। दे टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड वैल्यूज़ ऑफ मेल एंड फीमेल, ओनली देन वी कैन चेंज द सोसाइटी आइडिया ऑफ द सोसाइटी। कि मतलब कि वुमेन को सजेस्ट किया गया है इस वर्क के थ्रू कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं मेल और फीमेल की, वुमेन को उनके अगेंस्ट जाकर जो है खड़े होना चाहिए ताकि जो है इस सोसाइटी की सोच को वो बदल सके, इन ऑर्डर टू चेंज द इनग्रेन मेंटालिटी ऑफ द एंटायर सोसाइटी। वो बताती हैं कि अगर हमें जो इस सोसाइटी की मेंटालिटी को चेंज करना है, सो वी नीड टू टॉक अबाउट दीज मैटर्स ओपनली, तो हमें जो है खुलकर बात करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये एक तरह का एक्सेप्टेड नोशन बन जाएगा जिसे हर एक वुमेन और मैन को जो है फॉलो करना पड़ेगा। सो इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है, एंड अगर इस फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल की लेक्चर्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।